हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिमालयन स्टडी सर्कल। आई एम त्रिपुरारी और हमने पिछले सेशंस में स्टार्ट किया था इंग्लिश का सीरीज, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने टेंस के बारे में बात किया था। और टेंस में खास करके हमने बात किया था उसके इंट्रोडक्शन के बारे में और कैसे कैसे हम उसका यूज आता है, कहाँ कहाँ पे इक्वेशन आते हैं और कैसे कैसे इक्वेशन आपको आएंगे और टेंस क्यों बैकबोन कहा जाता है, इसके बारे में हम लोगों ने एक डिटेल चर्चा की थी। है हम पिछली क्लास में हमने ये भी बताया था कि धीरे धीरे करके एक एक करके टेंस को जो कि है आपका प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, उसको डिस्कस करेंगे और उसके डिफरेंट पार्ट्स और उसके एग्जांपल्स को, उसके स्ट्रक्चर्स को जानेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर पूरी तरीके से प्रेजेंट टेंस पे बेस्ड रहेगा, जिसमें प्रेजेंट टेंस का पूरा पोस्टमार्टम कर रहे होंगे, ठीक है। तो बात करते हैं आज प्रेजेंट टेंस पे। प्रेजेंट टेंस में आपका चार पार्ट है जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, जो कि कैरी होगा सभी टेंस के लिए, एक ही एक समान सा रहेगा, ठीक है। तो अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। ये चार पार्ट है, मैंने चार ब्लॉक्स बना दिए हैं ताकि हम इसका स्ट्रक्चर, इसके एग्जाम्पल्स, इसके नेगेटिव इंटरोगेटिव और इसका डिफरेंट डिफरेंट चीज जो इससे रिलेटेड हो वो हम लोग लिख सकें और पॉइंट आउट कर सकें। आपके लिए एक अच्छा खासा ये नोट्स की तरह बनने वाला है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस से। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंपली सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर। तो देखिए, आपको फर्स्ट टाइम में मैं स्ट्रक्चर बता दूंगा तो आप डिराइव नहीं कर पाओगे। तो पहले हम एक काम करते हैं कि इसका एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है। जैसे अब देखिए, I am a boy, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। या I eat, ठीक है, ये दोनों का दोनों सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है। इस सिंपल प्रेजेंट टेंस के एग्जाम्पल में आप देख रहे हो कि सिंपल सेंटेंस है, सिंपल, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल समझना है कि ये सिंपल सेंटेंस लिखा हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। तो ये मैंने अभी assertive sentence लिखा है जिसमें assertion है, कोई तरीके का negation या interrogation नहीं है। तो इसका सिंपल क्या है स्ट्रक्चर, अगर बात करेंगे तो क्या होगा भाई, सिंपल है, यहां से कोई भी आदमी इसका पकड़ के स्ट्रक्चर जो है वो लिख देगा। क्या लिखेगा, सबसे पहले क्या है इसमें, सब्जेक्ट है, जैसे ये वाला पार्ट सब्जेक्ट है तो हमने लिखा सब्जेक्ट प्लस एम है, तो इज एम आर कुछ भी आ सकता है, तो ऐसा लिख सकते हैं इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट, खत्म। ये वाले के पार्ट के हिसाब से या दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन, ठीक है। अब वर्ब वन जो होता है मतलब सिंपल सेंटेंस, जैसे कि वर्ब वन में हुआ जैसे ईट हो गया, गो हो गया, ठीक है, डांस हो गया, टीच हो गया, कुछ भी, ये वर्ब वन में है, ठीक है। तो ये वर्ब वन है, अगर मान के चलते हैं कि हमने लिख दिया इट्स गोज डांसेस, तो क्या हो जाएगा भाई, इसको बोलते हैं वर्ब फाइव, एस ई एस वाले। तो ये वर्ब वन भी हो सकता है, वर्ब फाइव भी हो सकता है, यही दो स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। अब इसमें नॉट लग जाएगा, इसका नेगेटिव स्टेटमेंट जब बनाना होगा तो क्या बनेगा, आई डू नॉट ईट, ठीक है। या सपोज कोई एक बंदा है, सपोज राम ही ले लो, अभी राम बढ़िया है, राम डज नॉट ईट, ठीक है, ये पकड़ लग गया, ये नेगेटिव सेंटेंस है। इसी का अगर इंटरोगेटिव बनेगा तो डू आई ईट, अगर इसका इंटरोगेटिव बनने वाला है जिसको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या होगा, डू आई ईट, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात। बात इसमें ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर। इसका सेंटेंस आप देख लो, बस इतना, एक बार ब्रेन में बैठाएंगे दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सिंपल बात है। दोबारा जो आदमी पढ़ रहा है समझो कि वो अभी देख नहीं रहा है सही से, तो उसका दो बार टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको या तो कहीं नोट डाउन कर लीजिए, एक पेज पे भी ऐसा बना सकते हैं कॉलम और सिंपल सा आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं कंटिन्यूअस। देखो सिंपल मैंने कहा था कि कोई सिंपल सेंटेंस हो, सिंपली जब हम किसी बात को कहते हैं,
और अभी चूंकि बात प्रेजेंट टेंस की हो रही है तो मैंने कहा था कि एक्सक्लूसिवली ये प्रेजेंट टेंस वाली क्लास है, पास्ट टेंस की और फ्यूचर टेंस की चर्चा नहीं आएगी। ठीक है, तो अभी सिंपल 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 वाक्य हमने बनाए तो वो किधर चला गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, अब कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस मतलब कोई काम हमने शुरू किया और कंटिन्यूअसली वो काम हो रहा है, या कोई ऐसा एक्टिविटी है जो हो रहा है, जैसे मान के चलो कि बारिश हो रही है लगातार, तो इट इज रेनिंग। ठीक है, वो कंटिन्यूअसली हो रही है। ठीक है, तो ये ऐसा चीज होता है कंटिन्यूअस है जो बताता है कि कंटिन्यूटी में कोई काम चल रहा है, और अभी प्रेजेंट तो प्रेजेंटली चल रहा है। ठीक है, तो देखते हैं, जैसे इसका एग्जांपल शुरू करते हैं। अभी हमने बताया था जैसे आई एम रनिंग, ठीक है, या फिर मोहन इज सिंगिंग, ये सब क्या है, कंटिन्यूअसली वो काम हो रहा है। तो कंटिन्यूअसली हो रहा है का मतलब हो गया कि अभी भी वो काम शुरू हुआ है प्रेजेंट में और वो चल रहा है, तो दैट इज कंटिन्यूअस टेंस। फिर यहीं पे बात आएगी स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो स्ट्रक्चर की बात करेंगे। स्ट्रक्चर में आपको क्या आता है, सब्जेक्ट, जो ये वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट होगा, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस इसके साथ ऑग्जिलरी इज एम आर लगता है। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट लगता है, और ऑब्जेक्ट के बाद अगर कुछ दूसरा चीज भी हो कोई दिक्कत नहीं, वो कंटिन्यूअस नहीं काउंट होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंटिन्यूअस टेंस। अब यहां पे जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसमें वर्ब छूट गया, इसके बाद वर्ब आएगा। ठीक है, इसमें वर्ब फोर पहले आएगा फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब वर्ब फोर क्या है, वर्ब फोर मतलब वर्ब आई एन जी, ये फॉर्म। जैसे आपको दिया है ईट, आप लिख रहे हो ईटिंग, सिंगिंग, ओरिजिनल वर्ब कौन सा है, ओरिजिनल वर्ब ईट है जिसके साथ आई एन जी लगा, तो ये वर्ब फोर हो गया। ये वर्ब वन था, वन में आई एन जी लगा और वर्ब फोर हो गया। इसमें कौन सा वर्ब है, सिंग। ठीक है, इसमें क्या लग गया, आई एन जी, बना क्या, वर्ब फोर। तो ये वाला वर्ब फोर कंटिन्यूअस का ट्रेट है, जहां भी कंटिन्यूअस होगा ना वो उसका चिपक जाएगा। ठीक है, विक्रम बेताल का बेताल है वो आई एन जी कंटिन्यूअस के लिए। ठीक है, तो वो बेताल इधर भी चिपकेगा, आएंगे इस पे। ठीक है, तो ये आई एन जी वाला फॉर्म है, ये निश्चित चिपक गया इसके साथ, वर्ब फोर चिपक जाता है कंटिन्यूअस में। कहीं भी कंटिन्यूअस दिखे कि आप आई एन जी दिखे तो समझ जाओ कि कंटिन्यूअस का कोई ना कोई पार्ट होने वाला है। ठीक है, और कुछ ऐसा चीज होता है जहां पे नाउन की तरह यूज होता है, जैसे जेरंड वगैरह, उसमें बाद में बात करेंगे उसके लिए। ठीक है, अब इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस भी देख लें। जैसे सपोज आई एम रनिंग है तो आई एम नॉट रनिंग। ठीक है, या ही इज नॉट सिंगिंग, ये बड़ा सिंपल सा रहता है। अब इसका इंटरोगेटिव बनाते हैं, तो इंटरोगेटिव में क्या होगा, जैसे आई एम नॉट रनिंग, एम आई रनिंग, ये बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट सिंपल सिंपल बात करने के लिए, जिसमें सिंपल सिंपल सेंटेंस बोला हमने, फिर कंटिन्यूअस ऐसा बात किया जिसमें हमने बताया कि कोई भी काम अभी लगातार हो रहा है, आई एम रनिंग, मोहन सिंगिंग टाइप का। इसका स्ट्रक्चर क्या था, सिंपल सब्जेक्ट प्लस ईएमआर प्लस ऑब्जेक्ट था, और यही वाला कॉपी इधर हो रहा है लेकिन वर्ब फोर लग जा रहा है, देखो आप एक्स्ट्रा ये लग रहा है। ठीक है, इस ये लगने के कारण ये वाला चीज कन्वर्ट होके कंटिन्यूअस में आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर आपको याद हो गए, ये पता चल गया कि इसमें वर्ब वन वर्ब फाइव का यूज होता है, इसमें वर्ब फोर का यूज होता है। ठीक है, ये दोनों पार्ट हमारे कंप्लीट है। अब आगे बढ़ते हैं परफेक्ट में। परफेक्ट के लिए मैंने जब इंट्रोडक्शन इसका लिया था, मतलब इंट्रोड्यूस किया था टेंस को, तब मैंने आपको बताया था कि कोई भी काम जो परफेक्टली हो चुका है, जैसे मैं खा चुका हूं, ठीक है, इसमें आपको हूं से लग रहा है ना कि ये पूरा का पूरा प्रेजेंट टेंस है, और मैं खा चुका हूं मतलब अभी अभी जस्ट खत्म किया है, मतलब परफेक्टली हो चुका है। तो ये वर्ड ही अपने आप में इसका डेफिनेशन है ना,
तो कोई कोई वर्ड होता है जो आपको मिल जाएगा जिसमें आपको डेफिनेशन क्लियर वो वर्ड ही बता देता है, ये चलो ये मैं ही डेफिनेशन हूँ, ठीक है, मैं ही राजा मैं ही मंत्री, ठीक है। तो ये परफेक्टली जो काम हो चुका है उसके लिए यूज होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, जैसे आई हैव ईटन, ठीक है, ही हैज कम, ठीक है, या फिर कुछ भी, दे हैव गॉन समवेयर, सपोज दे हैव सपोज गॉन टू डेहराडून, राइट, दे हैव गॉन टू डेहराडून, चलेगा, देख लेना है स्पेलिंग, स्पेलिंग का नाउन है इसमें उतना नहीं देखता मैं, ठीक है। तो ये यहां पे देखते हैं, अब इसका स्ट्रक्चर का बात करते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर इस पे क्या दिख रहा है, सिंपल है कि ये फर्स्ट वाला पार्ट जो मैंने बताया था ये सब्जेक्ट है, कहीं हैव लग रहा है कहीं हैज लग रहा है, तो हैज लगेगा या हैव लगेगा। अब इसके बाद ये एक अलग सा फॉर्म है जो इधर इधर आपको नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या, तो इसका मतलब है कि वो कोई दूसरा वर्ब है, तो उसको हम लोग कहते हैं वर्ब फ्री, इसको पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, ठीक है, वो किसी का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है वो, जिसको हम लोग लिखते हैं वर्ब थ्री, ठीक है। और वर्ब थ्री के बाद आपका ऑब्जेक्ट रह भी सकता है नहीं भी रह सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द सेंटेंस, दैट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वर्ब थ्री। और वर्ब थ्री क्या है, वर्ब थ्री को जनरली क्या कहा जाता है, वर्ब थ्री को कहा जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब होता है जैसे ईटन, ठीक है, गॉन, ठीक है, डन, डन नहीं कहो, जैसे अवेकन, अराइजन, ठीक है, जैसे कि सिंग का ले लेते हैं, सिंग सैंग संग होता है, सिंपल। तो ये सब फॉर्म जो होता है इसको वर्ब थ्री कहते हैं। ये अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि वर्ब वन क्या है, वर्ब टू क्या है, वर्ब थ्री क्या है, वर्ब फोर क्या है, क्योंकि सब आ गया, वर्ब वन आ गया इधर ईट, अब इसका वर्ब टू वो पास्ट का पार्ट है, वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट में आएंगे, तो धीरे धीरे ये सब चीजें एक साथ आप लिख लेंगे, एक साथ बना के लिख लेंगे ऐसे कि वर्ब वन क्या है भाई, फिर वर्ब टू क्या है, वर्ब थ्री क्या है, वर्ब फोर क्या है, वर्ब फाइव क्या है, ऐसा आपको बहुत सारे बुक्स में मिल भी जाएगा, जिसको आपको याद रखना चाहिए ताकि सेंटेंस में गड़बड़ ना हो, ऐसा करके बना लेना है। जैसे मैं एग्जांपल छोटा सा बता देता हूँ, ईट, एट, ईटन, ईटिंग एंड ईट्स, ठीक है, तो ऐसे करके आता है, ये वर्ब फॉर्म है, ये थोड़ा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। खैर अब देखते हैं कि इसका नेगेटिव अगर सेंटेंस बनाएंगे तो क्या बनेगा, नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा, आई हैव ईटन तो क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट ईटन, ठीक है। अगर इसका इंटरोगेटिव बनाते हैं तो क्या बनेगा, हैव आई ईटन, क्या मैं खाया हूं, मैं नहीं खाया हूं और मैं खाया हूं या खा चुका हूं, जो भी हो, तो ये सब चीज परफेक्ट की है, ये परफेक्टली हो चुका है। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट, परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस, व्हाटएवर यू से, कि परफेक्टली वो काम हो भी चुका है और वो चल भी रहा है, तो ऐसा कंटिन्यूटी में जब काम होता है तो उसको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए जैसे कोई काम बहुत दिनों से हो रहा है या बहुत सारे तरीकों से हो रहा है या एक सर्टेन गिवन टाइम से हो रहा है, उसमें हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस की चर्चा करते हैं। कैसे, तो देखिए इसमें मैं दो एग्जांपल ले रहा हूं और उन्हीं दो एग्जांपल में हमें समझ लेना है कि कैसे कैसे चीजें काम कर रही हैं, ठीक है। पहला, आई हैव बिन वर्किंग सिंस मंडे,
राइट right? और एक और लेता हूं, ही हैज बिन रनिंग फॉर 4 hours. अभी रीजन बताएंगे इसका, इस सेंस ऑफ फॉर क्यों हमने यूज किया है. पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है. इसके स्ट्रक्चर की अगर चर्चा करें तो इसके स्ट्रक्चर में क्या आ रहा है, पहले क्या आ रहा है सब्जेक्ट, फिर क्या आ रहा है हैव या हैज. तो इसको लिख सकते हैं कि हैव लगा या हैज लगा, प्लस क्या लग रहा है बिन, प्लस क्या लग रहा है वर्ब फॉर, प्लस क्या लग रहा है सिंस या फॉर, ठीक है, सिंस फॉर. इसके साथ एक टाइम क्लॉज है, फिर टाइम फ्रेम आप कह सकते हैं, एक टाइम इंडिकेशन देख लो, ठीक है, और रेस्ट अगर इसके साथ ऑब्जेक्ट है तो. इसका स्ट्रक्चर बड़ा सा होता है, ठीक है. लेकिन यहां पर एक गेम है, वो है सिंस और फॉर का, ठीक है. चूंकि यहां पर सिंस फॉर हमने यूज किया है, आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा चल रहा है. तो अभी पहले एक दूसरी बात बात कर लेते हैं, फिर इस पे आएंगे. पहला बात है कि मैंने कहा था कि परफेक्ट और कंटिन्यूअस का ये कॉम्बिनेशन है. परफेक्ट और कंटिन्यूअस का कॉम्बिनेशन कैसे, पहली बात हैज हैव किसका है, परफेक्ट का. परफेक्ट से हमने हैज हैव उठाया, और कंटिन्यूअस में क्या है आईएनजी, तो इसका आईएनजी मतलब वर्ब फॉर. ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलके परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाया. तो दोनों कंबाइन करना था, आप सिंपल जब याद करेंगे तो वैसे करेंगे कि दोनों कंबाइन करना था तो इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी. सिंपल ये पढ़ लेते, ये पढ़ लेते, दोनों कंबाइन हो जाता, काम खत्म. लेकिन नहीं, इसके साथ परफेक्टली अगर कंटिन्यूअस हो रहा है तो एक स्पेशल आ रहा है बिन. ये आपको याद करने में मदद करेगा कि ये बिन लगा इधर और फिर सिंस फॉर, ये दो चीज लग जाता है, ठीक है. अब सिंस फॉर का बहुत बार प्रयोग आपका इसमें कंटिन्यूअस में भी कर लेते हैं कभी कभी, लेकिन फिर भी ज्यादा ये इसके साथ ही अलाइड रहता है, ठीक है. जैसे अभी बहुत अच्छा, ये छोड़ते हैं, एक एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा, उसमें टाइम वेस्ट होता है. तो ये मुख्य रूप से ये बात है. अब बात करते हैं कि सिंस फॉर का यहां क्या काम है. देखिए यहां पे है सिंस, और एक पार्ट हमें डिस्कस करना है फॉर, ठीक है. पता नहीं इधर दिख रहा है नहीं दिख रहा है. ये सिंस की बात करेंगे तो सिंस में आता है आपके पास कि जब हमारे पास कोई बिगनिंग दिया हो, ठीक है, या फिर एक सर्टेन गिवन टाइम हो, गिवन फिक्स्ड टाइम, ठीक है, या डे हो, मतलब पूरा पूरा बात बताया, जैसे सिंस मंडे, सिंस 5th Feb, ठीक है, या 15th Feb, या 20th August, ठीक है, या सिंस 1947. इस सब में सिंस लगता है. इन सब में ऐसा जब बिगनिंग दिया हो, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, इस तरीके का हो, तो इसमें क्या लग जाएगा, सिंस लग जाएगा. जो बाद बाकी बच गए उनमें फॉर लगा दीजिए. तो फॉर कैसा लगेगा, जैसे इसमें कोई क्लियर टाइम फ्रेम नहीं दिया होता है, जैसे एक सिर्फ लम सम दे देगा, जैसे फॉर 4 hours, फॉर 4 hours हो गया, या फिर फॉर 2 minutes, फॉर 2 days, फॉर ए सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स, ऐसा दे रखा तो उसमें फॉर लगाएंगे. बात क्या है, बात इतनी सी है कि आपका सिंस स्पेसिफिक चीज होता है, एक सर्टेन टाइम दिया होगा. जैसे 5 बजे से मैं पढ़ रहा हूं तो आपने बताया कि इट इज फ्रॉम 5 PM और 5 AM दैट इज सर्टेन पॉइंट. बट आप बोल रहे हो सिंपल किसी को कि मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूं, 8 बजे किसी ने आपसे पूछा, आपने उसको कहा कि मैं 5 बजे से पढ़ रहा हूं, मतलब आपने एक स्पेसिफिक टाइम बताया, और आप सिंपल बोल रहे हो कि हाँ मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूं. Nobody is going to see that what time you started. किसी को कैसे पता चलेगा, कोई किसी को आपने बताया कि मैं 3 घंटा पढ़ा हूं, कब से कब तक. तो स्पेसिफिक बात इधर है
सेंस में, और जो नॉन स्पेसिफिक वर्ब है फॉर में चला जाता है। तो ये इसका गेम है, आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक से उठा के अब सेंस और फॉर का देखेंगे तो आपको ये चीज मिलेगा कि बिगनिंग से कैसे स्टार्ट करते हैं तो सेंस लगता है और अदर केसेस में फॉर लगता है, कैसे करके हमारा सेंटेंस बनता है। अब इसमें बात करते हैं इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस में आई हैव बीन वर्किंग, आई हैव नॉट बीन वर्किंग सिंस मंडे। अब इसका इंटरोगेटिव बनेगा हैव आई बीन वर्किंग सिंस मंडे, ठीक है। तो ये सब चीज मतलब इसके साथ ही अलाइड है। तो ये एक अच्छा सा आपके पास स्ट्रक्चर बन गया, सिंपल हो गया, फिर कंटिन्यूअस हो गया, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। अब एक रिकैप कर लेते हैं इसका। सिंपल सिंपल सेंटेंस हमने बोला, प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, सिंपल में बोला कि हमने आई एम ए बॉय, आई ईट दिस दिस, खत्म। सिंपल है, सिंपल सा सेंटेंस है। सब्जेक्ट इज एम आर, ऑब्जेक्ट लगाया, वर्ब वर्ब वन वर्ब फाइव लगा, ये सिंपल का काम खत्म। अब बता है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब कोई काम हमने कंटिन्यूअस अभी तक हम कर रहे हैं या करते जा रहे हैं वो कंटिन्यूअस है। आई एम रनिंग, मोहन इज सिंगिंग, एनीथिंग। तो ईज एम आर के साथ वर्ब फोर लेकर आएगा अपने साथ, क्योंकि कंटिन्यूटी दिखाना है, ये कंटिन्यूअस का काम खत्म। अब आ जाए परफेक्ट में, तो परफेक्ट मतलब जो परफेक्टली हो चुका है, मतलब अभी अभी जस्ट हुआ है, ठीक है। जैसे आई हैव रिटन, ही हैज कम, तो इसमें क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये एक सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव आएगा, फिर वर्ब थ्री आएगा, ठीक है। अब इन दोनों को मिक्स करके इधर लेके आएंगे तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएंगे। परफेक्ट कंटिन्यूअस में आई हैव बीन वर्किंग सिंस मंडे, या ही हैज बीन रनिंग फॉर फोर आवर्स या फॉर थ्री आवर्स, एनीथिंग। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ क्या क्या लगाया आपने, एक जगह हैव लगाया, हैज लगाया, हैज हैव कर दिया आपने, फिर हैव बीन, फिर वर्ब फॉर, फिर सेंस फॉर, फिर टाइम इंडिकेशन में कोई होगा कि इसके साथ जो सेंस फॉर लगाया था किसके लिए लगाया था, टाइम के लिए, ऑब्जेक्ट, बस खत्म, इतना ही है। तो इसी चीज को आपको ब्रेन में एक बना लेना है, इधर सबसे बड़ा याद करने का तरीका इधर है, ठीक है। एक बार में ही आप रख लो इसको ब्रेन में कि दोबारा ना पढ़ना पड़े, जितना जितनी चीजें आपको दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेंगी थ्योरी, समझो कि आप उतना पेशेंट ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे, और एग्जाम थ्योरी का खेल नहीं है, एग्जाम कभी भी थ्योरी का खेल नहीं रहा है, एग्जाम क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स का खेल रहा है। तो आप इसको जल्दी से ये कर लो, नेक्स्ट सेशन जब हम मिलेंगे तब हम सेम चीज सेम पैटर्न पे पास्ट टेंस के लिए डिस्कस कर रहे होंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि पास्ट टेंस में कैसे कैसे चीजें चलेंगी। हाँ, ये सेंस फॉर वाला खेल वही रहेगा पास्ट टेंस तक, फिर आगे देखते हैं कि क्या क्या होता है, ये वही रहेगा। अब उसमें बात करेंगे, उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, जो इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में चेंज आता है वो सब हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और आप अच्छे से इसको पढ़िए ताकि धीरे धीरे करके हम इंग्लिश जितना हो पाए हम लोग इसको अच्छा करके रखें, ताकि ये हमारा एक स्ट्रांग पॉइंट रहे और इसमें हम अच्छा स्कोर कर सकें किसी भी एग्जाम्स में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आज के सेशन को ही वाइंड अप करते हैं। तो थैंक यू, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।